वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर्फ पेजेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेजेस सर्फ करने होते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी नहीं शेयर करूंगा, आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अर्निंग्स के उसमें और आपको दिखा देता हूँ। जो अर्निंग का मैंने आप लोगों से प्रूफ शेयर करने का वादा किया था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो 51 डेज में आपको इतने बिटकॉइन मिले तो उसके लिए आपको एटलीस्ट जो पैकेजेस हैं इसके आपकी खुद की अर्निंग से ही, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें अर्न कर रहे हैं तो आपको अपना पैकेज अपग्रेड कराना होगा। अर्निंग के पहले पैकेज अपग्रेड के लिए मैं आपको बता दूँ, बाय एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट में आप जब जाते हैं इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं टीपीओ 1 से लेकर टीपीओ 11 तक के। अगर टीपीओ 6 तक आप पहुंच जाते हैं तो टीपीओ 6 में आपको जो बेनिफिट है और जो एक्चुअल प्रोसेस है 51 डेज की वो आप फॉलो कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अफिलियट टैब में जा रहा हूँ और इसमें अर्निंग्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ। अर्निंग्स में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। अगर आप अपना पैकेज अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, लिमिटेड अर्निंग से आप हैप्पी हैं, तो आप गेट पेड इन बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे, अपना बिटकॉइन वॉलेट डालेंगे, ईमेल सिक्योरिटी पिन पेस्ट करके सेव योर सेटिंग कर दीजिए, आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। आपका जो जो भी अर्निंग होगी वो एक लिमिटेड, इसमें क्राइटेरिया मेंशन है, यहाँ पे आप क्राइटेरिया पूरा पढ़ सकते हैं कि किस क्राइटेरिया पे आप विड्रॉल इससे ले सकते हैं। इसमें सेकेंड ऑप्शन होता है यूज अर्निंग टू परचेस टीपीयूज। एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा 6 पैकेज अर्न करने तक के आप इसको यहाँ पे क्लिक करके रखें, ताकि 6 पैकेज होने के बाद आपके रेफरल से आपको 80% कमीशन भी मिलता है और साथ में आपकी अर्निंग का भी अच्छा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया था और क्लिक करने के बाद जो मेरी पहली अर्निंग आई है उसको मैं आगे बताने से पहले आपको ये एक ईमेल दिखाना चाहता हूँ। ये इसी वेबसाइट का मुझे ईमेल आया है, आप देख रहे हैं 20 घंटे पहले मुझे ये ईमेल आया है। इस ईमेल पे मेंशन किया हुआ है कि मेरा जो रेफरल है उसमें से ये पैकेज ऑप्शन लिया गया है और जिसका जो कमीशन होता है 0.0048 वो मेरे ब्लॉक जो वॉलेट है बिटकॉइन का उसमें सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया गया है। यही अमाउंट इस साइट में भी आप यहां देख सकते हैं, योर पास्ट अर्निंग। इस पास्ट अर्निंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 0.004800 ये बिटकॉइंस मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। व्यू डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ आपको व्यू डिटेल्स में मैं दिखा सकता हूँ कि ये अमाउंट इतनी तारीख को 7 तारीख को यानी कि कल 6:07 पे मेरे वॉलेट में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया गया है। चलिए मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में जहाँ पे ये पैसा क्रेडिट हुआ है। तो ये है मेरा ब्लॉकचेन वॉलेट। ब्लॉकचेन वॉलेट पे आप देख सकते हैं 7 सितंबर जैसा कि मैंने आपको दिखाया कल के दिन इसमें से ट्रांजेक्शन में आपको जाता हूँ, ट्रांजेक्शन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बिटकॉइन वॉलेट पे ये पेमेंट क्रेडिट हो चुका है, $21.18 अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं मैंने डेली बेसिस पे 100 पेज सर्फ नहीं कर पाए हैं, कुछ काम की वजह से कभी मैंने 50 किए कभी मैंने 70 किए, लेकिन मेरे रेफरल रेगुलर बेसिस पे फोकस करते हुए मेरी जो रेफरल स्कीम है वो बढ़ती रही और मेरा काम भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो ये स्कीम मुझे इतना बेनिफिट मिल चुका है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ पासअप्स और टीपीओ करने का। इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है दोस्तों, ये साइट में आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, आप भी इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आज इस वीडियो में आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये साइट बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल पेमेंट दे रही है। इन्वेस्टमेंट करके इसमें से कोई पैकेज लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बिना इन्वेस्टमेंट के आप काम करते हुए अगर अपना पैकेज अपग्रेड कराते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे अर्निंग करते हुए आप अपना पैकेज अपग्रेड कर लीजिए और अर्निंग इसमें से रेगुलर लेते रहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी साइट है, अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप लोग भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर लें। इसमें सारे टैब्स अलग अलग इसमें मेंशन है, पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं आपके डायरेक्ट रेफरल कितने हैं, आपकी टोटल डाउनलाइन कितनी है, आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, इसमें सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। अर्निंग टैब में आपको मैंने जैसे कि बता दिया है अर्निंग टैब में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें सारे सवालों के जवाब आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक कुछ सवाल आपके अभी भी पेंडिंग रह गए हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं।
अपने कुछ फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी किए हैं जिसे मुझे पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं वीडियोस आप लोगों तक आपके ही भले के लिए शेयर करता हूं। अगर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, कोई मैं अच्छा ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि उस ऑप्शन से आप लोगों का